So guys, welcome back to my channel. My name is Gerard and you're watching Gerard Gomes. So today the car that I have in front of me is none other than the 2022 Maruti Suzuki Grand Vitara. And ये जो variant आप देख रहे हो, this is एकदम base model. ये Sigma variant है. So all total 4 variant आता है for the normal petrol, the Sigma, Delta, Zeta and Alpha. और आपका जो ECVT variant है, वो आपका Zeta Plus और Alpha Plus है. Alpha Plus obviously top model है. So ये जो variant है guys, ये एकदम base है. So इसमें आपका बहुत कुछ नहीं आता है इसमें, but ये सबसे आपका मॉडिफायर फ्रेंडली भी गाड़ी भी है, क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ आपके हिसाब से आप इस गाड़ी में आप लगवा सकते हो. सो इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिल जाता है, इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर और फीचर्स ऑब्वियसली क्या मिल जाता है उसके बारे में इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा. सो दिस कार इज ब्रॉट टू यू बाय मारुति सुजुकी नेक्सा विच इज लोकेटेड एट साइंस सिटी. एंड ये आपका एटमोस्फियर बिल्डिंग है. सो दिस इज राइट बिसाइड द एटमोस्फियर बिल्डिंग ओवर देयर नियर साइंस सिटी. तो अगर आपको ये शोरूम में आना है, द लिंक टू दिस शोरूम विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. एंड अनदर थिंग गाइस, आपके स्क्रीन पे अभी यहाँ पर एक कोड आ जाएगा. इफ यू यूज दैट कोड एंड यू रिफर इट टू द शोरूम ओवर हियर एट नेक्सा साइंस सिटी, देन यू विल गेट द बेस्ट ऑफ बेनिफिट्स एंड डिस्काउंट्स ऑन एनी ऑफ योर फेवरेट नेक्सा कार्स, नॉट ओनली ऑन द ग्रैंड विटारा बट आपका CIS, इग्निस, बलेनो, जो जो गाड़ी आपको यहाँ पर नेक्सा में अवेलेबल है, आपको उसमें डिस्काउंट्स मिल जाएगा. सो ये कोड आप ज़रूर यहाँ पर रिफ़र कीजिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग एनी ऑफ द नेक्सा कार्स. सो अभी इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं. सो सामने से शुरू करते हैं गाइस. सो सामने एज यू कैन सी नॉट वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द अदर वेरियंट्स, बट कुछ कुछ डिफरेंसेज यहाँ पर है. सो सामने यू गेट दिस मैसिव क्रोम फिनिश ऑन द ग्रिल, और यहाँ पर जो ये जो पार्ट है ग्रिल का, दिस इज फिनिश्ड इन ग्लॉस ब्लैक. ये ग्लॉस ब्लैक में थोड़ा प्रीमियमनेस बढ़ा देता है. यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका LED DRL विच ऑल्सो वर्क्स एज द टर्न इंडिकेटर्स. सो यहाँ पर आपको 3 DRL मिल जाता है. हेडलाइट के बारे में अगर बात करूँ गाइज, देन हेडलाइट आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है यहाँ पर, बट आपका जो लाइट है वो आपका हैलोजन है. यह आपका LED नहीं मिलेगा. LED आपका जीटा वेरियंट से आपको LED मिलता है, बट यहाँ पर आपका नॉर्मल हैलोजन फिनिश है. यहाँ पर आपको कोई फॉग लाइट नहीं मिलता है, बट आई गेस द हेडलाइट्स आर मोर देन इनफ फॉर योर नीड्स. नीचे का जो पार्ट है, द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रंट बम्पर, यह आपका मैट ग्रे में फिनिश हुआ है, या आप सिल्वर भी बोल सकते हो. सो ये पूरा मैट है. सो साइड में अगर हम लोग चले जाए, सो साइड में यू गेट दिस वेरी मिनिमल व्हील क्लैडिंग एज यू कैन सी विच रैप्स द कार. एंड इससे क्या होता है, आपका जो टायर्स है वो ज़्यादा छोटा नहीं लगता है. सो अगर टायर्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस, ये आपका बेस वेरिएंट है. सो इसमें आपको कोई अलॉय फिनिश नहीं मिलेगा, बट अनदर गुड थिंग इज दैट आपका जो टायर का जो प्रोफाइल है उसमें कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है. सो यहाँ पर आपको सेम टायर मिलता है जो कि आपका एकदम टॉप वेरियंट में आपको मिलता है. सो दीज आर 215/60 R17. सो 17 इंच टायर्स आपको यहाँ पर मिल जाता है. इसमें आप बाहर से आफ्टर मार्केट एज अलॉय आप लगवा सकते हो. सो द कार विल लुक एब्सोल्युटली गॉर्जियस इफ यू पुट आफ्टर मार्केट अलॉय, दैट इज योर चॉइस. यहाँ पर जो विंग मिरर्स है, विंग मिरर्स आपका बॉडी कलर में है. एंड यू गेट LED टर्न इंडिकेटर्स ऑन द विंग मिरर्स. गाड़ी का जो बेल्ट लाइन है वो आपका नॉर्मल ये रबड़ फिनिश में है, मैट ब्लैक फिनिश में. यहाँ पर आपको कोई क्रोम फिनिश नहीं मिलेगा. अनदर गुड थिंग इज दैट यहाँ पर आपको बायां साइड में भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है. सो दिस कार हैज इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन. सो दिस इज वेरी गुड कि बेस मॉडल में भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा है. सो पीछे की तरह अगर हम लोग चले जाए, द सी पैनल, सो सी पिलर में आपको यहाँ पर मिल जाता है, एक ग्लॉस ग्रे में आपको यहाँ पर एक पैड मिल जाता है. सो दिस गिव्स इट अ वेरी गुड लुक. सी पिलर का लुक थोड़ा चेंज हो जाता है. पीछे का भी टायर का प्रोफाइल सेम है, और यहाँ पर आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक मिल जाता है. एज यू कैन सी डिस्क आपको पीछे भी मिल जाता है. सो उसमें भी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं किया हुआ है. पीछे की तरह अगर हम लोग चले जाए, सॉरी द कार इज अ बिट डर्टी, क्योंकि ये आपका मतलब डेमो कार है. सो प्लीज डोंट माइंड. सो पीछे आपको यहाँ पर ये LED पार्किंग लाइट मिल जाता है, जो कि आपका ये स्ट्रिप का तरह है, और आपको LED ब्रेक लाइट मिल जाता है. और यहाँ पर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हुआ है आपका टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट. यहाँ पर आपको छोटा सा एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है. 4 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलता है, 2 यहाँ पर और 2 उस साइड में. ग्रैंड विटारा का बैजिंग है. आपको बेस मॉडल में आपको डिफॉगर मिल जाता है. सो दैट्स प्रीटी गुड. कोई वाइपर आपको नहीं मिलेगा. यू गेट अ हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड यू गेट अ शार्क फिन एंटेना. ऑब्वियसली इस वेरिएंट में आपको सनरूफ नहीं मिलेगा. यहाँ पर यू डोंट गेट एनी रिवर्स पार्किंग कैमरा बिकॉज ऑब्वियसली बेस वेरिएंट है. सो लेट्स जस्ट चेक आउट द बूट राइट नाउ. सो यू गेट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर. सो बूट अगर हम लोग देखेंगे, सो बूट में एज यू कैन सी बूट इज प्रीटी स्क्वेयरिश. यहाँ पर आपको कोई लोडिंग लिप आपको नहीं मिलेगा. आपको बेस वेरिएंट में भी आपको यहाँ पर व्हील्स जो है वहाँ पर आपको व्हील कैप्स मिल जाता है. डेल्टा में भी आपको व्हील कैप्स मिलता है. जीटा से आपको अलॉय मिलेगा. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट बेस मॉडल में नॉर्मली व्हील्स खाली रहता है, बट एटलीस्ट मारुति इज प्रोवाइडिंग व्हील कैप. सो दैट्स गुड. 60-40 स्पीड आपको बेस वेरिएंट में मिल जाता है. और यहाँ पर आपको मिल जाता है पॉकेट्स. यहाँ पर आपको कोई लाइट नहीं मिलता और कोई 12 वोल्ट का सॉकेट नहीं मिलेगा. यहाँ पर भी आपको एक पॉकेट मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक हुक मिल जाता है. सो ओवरऑल वेरी प्रैक्टिकल बूट.
उस पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. वेरी स्क्वेरिश बूट, यू कैन प्लेस टू बिग बैग्स वर्टिकली और इवन हॉरिजॉन्टली. सो इफ यू वॉन्ट टू मूव हाउसेस, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है उसमें. सभी रियर सीट पे चलते हैं गाइस. सो लेट मी ओपन द रियर डोर. सो रियर डोर अगर मैं ओपन करूँ गाइस, यहाँ पर आपको फैब्रिक फिनिश मिलता है ऑन द डोर पैड्स, और यहाँ पर यू गेट दिस मरून फिनिश. ये आपका सॉफ्ट टच नहीं है, आपका प्लास्टिक फिनिश है. यू गेट पावर विंडो स्विच ओवर हियर. डोर हैंडल्स जो है आपका क्रोम पे है, और यहाँ पर आपको ये सिल्वर एक्सेंट मिल जाता है. यू गेट अ बॉटल होल्डर ओवर हियर. यहाँ पर आपका पॉकेट मिल जाता है टू कीप योर फोन और योर वॉलेट. यू गेट अ स्पीकर प्लेसमेंट ओवर हियर, बट ऑब्वियसली इस गाड़ी में आपको कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा. आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हो. सीट्स के बारे में अगर बात करूँ, अनदर गुड थिंग अबाउट दिस कार, आपको 3 हेडरेस्ट मिलता है और ये फिक्स नहीं है, ये आपका एडजस्टेबल है. सो दैट्स प्रीटी गुड. नॉर्मली बेस वेरिएंट में कार्स हैव फिक्स्ड हेडरेस्ट, सो मारुति हैज थॉट अबाउट इट. यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका फैब्रिक फिनिश में सीट्स, और सीट्स जो है दिस इज सिमिलर अक्रॉस टिल द जीटा वेरियंट. सो यहाँ पर आपको ये वेलवेट फिनिश मिल जाता है. फील्स वेरी वेरी गुड टू टच. अभी अंदर बैठते हैं गाइस. सो द डोर्स ऑल्सो क्लोज विद अ प्रॉपर थर्ड. सो यहाँ पर आप देख सकते हो द फ्रंट जो सीट है, दिस इज एडजस्टेड इन अ मीडियम पोजिशन. और लेगरूम आप देख सकते हो, लेगरूम इज मैसिव, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है उसमें. और उस साइड का भी आप देख सकते हो लेगरूम, दिस इज पुश्ड अ बिट बैक, सो वहाँ पर भी आपको लेगरूम में दिक्कत नहीं होगा. अंडर थाई सपोर्ट इज वेरी वेरी गुड. अंडर थाई सपोर्ट में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. माई हाइट इज अराउंड 6 feet, सो नो प्रॉब्लम विद द अंडर थाई सपोर्ट. बीच में आपको यहाँ पर एसी वेंस मिल जा रहा है. सो बेस वेरिएंट में आपको एसी वेंस मिल जाए, सो दैट्स प्रीटी गुड. और यहाँ पर आपको ब्लोअर कंट्रोल मिलता है. अनफॉर्चुनेटली यू डोंट गेट एनी चार्जिंग पॉइंट्स ओवर हियर. और नीचे आपको यहाँ पर एक शेल्फ मिल जाता है, यू कैन कीप योर फोन और योर वॉलेट. सीट का जो विथ है, विथ इज वेरी गुड फॉर 2 people, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट 3 लोगों का थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट अगर आप थोड़ा मतलब पतले हो देन 3 लोग कैन आराम से मतलब ट्रैवल कर सकते हो इस गाड़ी में. बीच वाला पैसेंजर के लिए भी आपका सीट बेल्ट है, सो दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी गुड. यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि यहाँ पर शायद लॉक्ड है, आई गेस, आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पर आपका लॉक्ड है. बट जो भी है, आपको आर्मरेस्ट में यहाँ पर 2 cup holders मिलता है. डोर हैंडल्स आपको मिलता है इस साइड और इस साइड. यू गेट रीडिंग लैंप ओवर हियर जो कि आपका हैलोजन फिनिश में है. यू गेट अ हुक ओवर हियर. सो अभी नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हेडरूम. सो हेडरूम आप देख सकते हो, हेडरूम इज मेरा आप देख सकते हो 3 उंगली तक जगह है. सो हेडरूम इज नॉट दैट गुड इफ आई एम वेरी ऑनेस्ट. नी रूम का कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, बट हेडरूम में थोड़ा लैकिंग है क्योंकि ये पीछे थोड़ा स्लोप हो जाता है ना ग्रैंड विटारा. सो हेडरूम में थोड़ा मार खा जाता है, बट ठीक है ओवरऑल. मतलब अगर आपका हाइट 6 feet से ज्यादा है आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट इफ यू आर लाइक 5'5", बिटवीन 5'5" एंड 5'10", मतलब 5'10" के नीचे अगर आप हो हाइट में, देन आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. सो अभी सामने चलते हैं गाइस. सो सामने ये बेस वेरिएंट है गाइस. सो बहुत कुछ मतलब आपको नहीं मिलेगा इस गाड़ी में, बट जो जो मिलेगा वो मैं सामने आपको जाके दिखा देता हूँ. सो सामने का डोर ओपन करने से पहले यहाँ पर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है. सो इफ आई ओपन द डोर, सो यू गेट द सेम फिनिश जस्ट लाइक द रियर डोर्स. यहाँ पर आपको ये ब्लैक फैब्रिक फिनिश मिल जाता है, बट दिस इज सॉफ्ट टच, सो दैट्स गुड. यहाँ पर आपको सेम मेरून प्लास्टिक फिनिश आपको मिलता है. यहाँ पर आपको पावर विंडो का कंट्रोल्स मिल जाता है. एंड यहाँ पर आपका जो ड्राइवर साइड है, दिस इज 1 touch down एंड 1 touch up, सो दैट्स प्रीटी गुड. यहाँ पर बाकी 3 विंडो आपको नॉर्मल मिलता है. दिस इज योर विंडो लॉक स्विच, ये आपका सेंट्रल लॉकिंग का स्विच है. दिस इज टू ओपन एंड क्लोज योर ORVM, एंड ये आपका मिरर एडजस्ट करने के लिए. सो बेस मॉडल में भी आपको मतलब ऑटो फोल्डेबल मिरर मिल जाता है, सो दैट्स गुड. यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर मिलता है. यू गेट अ स्पेस टू कीप योर डॉक्यूमेंट्स हियर. यू गेट अ स्पीकर प्लेसमेंट हियर. ट्विटर भी आप यहाँ पर शायद लगवा सकते हो, बट वो आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा. सीट्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस, देन द सीट्स में आपको हाइट एडजस्ट मिल जाता है. यू गेट बैकरेस्ट एडजस्ट एंड यू गेट लीवर टू पुश द सीट फ्रंट एंड बैक. आपको एक डेडिकेटेड डेड पेडल मिलता है. यहाँ पर यू गेट द हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस. इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको मिलता है. एंड यहाँ पर आपको मिलता है आपका बॉनेट ओपन करने का बटन, और यहाँ पर आपका फ्यूल लिड ओपन करने का बटन. सो सीट्स, एज आई सेड, सीट्स आर वेरी गुड. यहाँ पर आपको ये वेलवेट फिनिश मिल जाता है. मारुति मेक्स वन ऑफ द बेस्ट सीट्स ऑब्वियसली. और यहाँ पर साइड बोल्स्टरिंग भी आप देख सकते हो. साइड बोल्स्टरिंग इज वेरी वेरी गुड. सो आपको एकदम हक करके रखेगा सीट्स. एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलता है. सो चलिए अभी अंदर बैठते हैं. सो लेट मी जस्ट क्लोज द डोर्स. सो द फ्रंट डोर्स ऑल्सो क्लोज विद अ प्रॉपर थर्ड. सो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले गाइस, आई वॉन्ट टू शो यू द की. सो दिस इज द की दैट यू गेट. सो यहाँ पर आपको 2 buttons मिल जाता है टू लॉक एंड अनलॉक द कार. बट ये की वेरी बेसिक है गाइज. आई वॉन्ट टू टेल मारुति दैट प्लीज़ थोड़ा मतलब गाड़ी भी, इट्स अ वेरी प्राइसी कार, द ग्रैंड विटारा, इट्स अ प्रीमियम सेगमेंट कार. थोड़ा की भी आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि दिस इज द सेम की विच यू गेट ऑन द बलेनो, ऑन द स्विफ्ट.
सब में सेम की मिलता है, सो प्लीज़ थोड़ा मारुति इसको चेंज कीजिए, दैट्स दी ओनली कंप्लेन दैट आई हैव। सो गाड़ी अभी स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली आपको क्लच दबाना पड़ेगा, द कार शुड बी इन न्यूट्रल, और यहाँ पर आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, सो जस्ट पुश दिस एंड द कार विल स्टार्ट। सो लेट मी जस्ट टर्न ऑन द एसी गाइस, बहुत गर्मी है अंदर। सो अभी लेट मी गिव यू माय फर्स्ट इंप्रेशंस। सो डैशबोर्ड इज ओके, मतलब यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम को नहीं मिलता है, अपार्ट फ्रॉम दैट डैशबोर्ड इज प्रीटी सिमिलर टू द डेल्टा वेरियंट, और यहाँ पर आपको ये हार्ड टच मिल जाता है, सो ये वेरी चीप फीलिंग नहीं है, मतलब आपका जो प्राइस है उसके हिसाब से इट्स गुड ओनली, कोई आपको यहाँ पर मतलब वो फ्लिमजी प्लास्टिक आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, सो दैट्स गुड। यहाँ पर आपको कोई सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं मिलता है, ये आपका सेम डोर पैड का तरह ही है, दिस मरून प्लास्टिक फिनिश ओवर हियर। ग्लव बॉक्स के बारे में अगर बात करूँ, ग्लव बॉक्स इज प्रीटी एडिक्वेट, यहाँ पर आपका जो जो मतलब डॉक्यूमेंट्स ये सब फिट हो जाएगा, बट वेरी ओके इश स्पेस, यहाँ पर ज़्यादा स्पेस आपको नहीं मिलता है, कोई कूलिंग फंक्शन ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगा, लाइट भी आपका यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ पर ये बेस वेरिएंट है, सो यू डोंट गेट एनी इंफोटेनमेंट सिस्टम ओवर हियर, यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका हैजर्ड लाइट का स्विच, एसी वेंट्स ओवर हियर, यहाँ पर आपको ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश नहीं मिलता है, यू गेट दिस मैट फिनिश, यहाँ पर आपका ऑटो एसी मिलता है गाइस, बेस वेरिएंट में भी आपको ऑटो एसी मिल जा रहा है, व्हाट एल्स डू यू वांट। सो यहाँ पर आपका ब्लोअर कंट्रोल्स है, दिस इज टू कंट्रोल योर टेम्परेचर, ये आपका एयर सर्कुलेशन का बटन है, दिस इज टू टर्न ऑन योर एसी, ये आपका एसी ऑफ करने के लिए, दिस इज टू स्विच ऑन योर ऑटो एसी सिस्टम, ये है आपका फ्रंट डिफोगर, रियर डिफोगर, और ये आपका कहाँ पर आप एयर भेजना चाहते हो उसका स्विच है, दिस इज फॉर योर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, एंड दिस इज टू टर्न ऑन और ऑफ योर ऑटो आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक 12 वोल्ट का सॉकेट, एंड यहाँ पर आपको कोई USB टाइप ए का कुछ नहीं मिलता है। ओवर हियर यू गेट अ स्पेस टू कीप योर फोन और योर वॉलेट, वायरलेस चार्जिंग ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगा। गाड़ी का जो गियर लीवर है गाइस, ये आपका नॉर्मल फिनिश में है, यहाँ पर आपको कोई वो 3D डिज़ाइन नहीं मिलता है, सो ये थोड़ा मुझे मतलब चीप लगता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट या मतलब ये थोड़ा मारुति को मतलब जो अपर मॉडल का है उससे ही मतलब मैचिंग देना चाहिए था, बट एनीवे जो है सो है। यू गेट अ स्पेस टू कीप योर की ओवर हियर, डुअल कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक, यू गेट एन आर्मरेस्ट ऑल्सो, सो दैट्स प्रीटी गुड विच इज एडजस्टेबल, और यहाँ पर आपको स्पेस भी मिल जाता है अंदर, सो दैट्स गुड कि बेस मॉडल में भी आपको आर्मरेस्ट मिलता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो यू गेट मैनुअल डिमिंग IRVM, ऑब्वियसली आप ऑटो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पर यू गेट कैबिन लैम्प्स ओवर हियर, वाइजर में आपको मिल जाता है आपका मिरर बट नो लाइट, और इस साइड में आपको मिलता है मिरर बट नो लाइट, बट दैट्स गुड कि दोनों साइड में आपको मिरर मिलता है। अभी ये बेस वेरिएंट है गाइस, ऑब्वियसली आपको सनरूफ नहीं मिलेगा, बट ये ऊपर का जो टेक्सचर है ना, दिस इज प्रीटी गुड, मतलब ये आपका मतलब इट्स गुड फीलिंग, थोड़ा मतलब सॉफ्ट टेक्सचर है ये, सो दैट्स गुड। स्टीयरिंग के बारे में अगर बात करेंगे गाइस, सो स्टीयरिंग इज ऑब्वियसली नॉर्मल, कोई आपको यहाँ पर लेदर फिनिश नहीं मिलेगा, बट ओवरऑल स्टीयरिंग इज वेरी गुड टू होल्ड, यहाँ पर ऑब्वियसली आप स्टीयरिंग कवर पहनाएंगे। यू गेट बटन ओवर हियर आपका स्टीरियो जो है वो कंट्रोल करने के लिए, सो अगर आप यहाँ पर स्टीरियो आप बैठाएंगे जो आपका एंड्रॉयड है जो भी है, देन यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो, सो यहाँ से आपका कंट्रोल हो जाएगा ये स्टीरियो, सो दैट्स ऑल्सो गुड कि मारुति एटलीस्ट ये प्रोवाइड किया है मारुति ने, सो दैट पीपल अगर बाहर से कुछ लगवाए देन दे कैन कनेक्टेड टू द बटन ओवर हियर, सो कूडोस मारुति कीपिंग दैट इन माइंड। यहाँ पर आपको मिल जाता है एयरबैग, वहाँ पर भी आपको मिल जाता है एयरबैग, सो जीटा वेरियंट और अल्फा वेरियंट छोड़ के बाकी जो बेस जो वेरियंट है सिग्मा और डेल्टा, उसमें आपको दो एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेगा अलॉन्ग विद ABS CVT, ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा। यू गेट दिस सिल्वर एक्सेंट ओवर हियर, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में अभी बात करते हैं गाइस, सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज टोटली एनालॉग, यहाँ पर आपको एनालॉग टैको मिलता है, ओवर हियर यू गेट एनालॉग स्पीडो, यहाँ पर आपको एक MID मिलता है, यहाँ पर आपका टेम्परेचर लेवल है, यहाँ पर आपका फ्यूल लेवल है, यहाँ पर आपका टाइम दिखा रहा है, यहाँ पर आपका आउटसाइड टेम्परेचर है, एंड दिस इज योर टोटल ओडो रीडिंग, ये जो देख रहे हो यहाँ पर आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है, एंड ओवर हियर आपका मतलब इन ग्राफ आपका कितना फ्यूल इकोनॉमी रहा है वो दिखा रहा है। यू कैन चेंज दिस विद द बटन ओवर हियर, यहाँ पर आपका किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है इन ग्राफ, सो एज यू कैन सी ओवर हियर, और ये बाय मिनट यहाँ पर रीडिंग दिखा रहा है। यहाँ पर यू गेट योर स्पीड, आपका एवरेज स्पीड कितना रहा है, एंड दिस इज योर ड्राइविंग टाइम, इफ आई प्रेस दिस अगेन दिस इज योर टोटल आइडल स्टॉप टाइम अलॉन्ग विद कितना फ्यूल आपने सेव किया, ये आपका टाइम एंड क्लॉक, ये आपका जी फोर्स मीटर, दिस इज योर पावर एंड टॉर्क, एंड दिस इज योर एक्सेलरेशन एंड ब्रेक इन ग्राफ, और यहाँ पर आपका इंजन मोटर और बैटरी, सो जब आप गाड़ी चलाएंगे आपको यहाँ पर दिखा देगा कि बैटरी कितना चार्ज हो रहा है एंड इंजन में कितना पावर जा रहा है, और यहाँ पर यू गेट अ ब्लैंक स्क्रीन, एंड ओवर हियर जैसे कि मैंने आपको बोला यू गेट अ मतलब ये आपका फुल मतलब जो डिफॉल्ट स्क्रीन है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। ऑब्वियसली इस गाड़ी में आपको कोई ऑटो हेडलैम्प्स नहीं मिलेगा, और यहाँ पर आपका वाइपर कंट्रोल्स आपको मिल जाता है,
अभी विजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। सो ओवरऑल विजिबिलिटी इज वेरी गुड। आपको लगेगा कि विंग मिरर्स जो है छोटा है, बट मुझे कोई विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सो आपको भी नहीं होगा। पीछे का भी विजिबिलिटी इज गुड। सो एज यू कैन सी, पीछे का जो मिरर है दैट इज प्रीटी वाइड, सो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। एक प्रॉब्लम होने वाला अगर बीच में कोई बैठा है और हेडरेस्ट उठाया हुआ है, देन आपको थोड़ा दिक्कत होगा। उस साइड का भी विजिबिलिटी इज मोर देन इनफ, कोई प्रॉब्लम आपको उस साइड में भी नहीं होने वाला है। सामने का भी विजिबिलिटी इज प्रीटी गुड। सो सामने मुझे बोनेट एकदम आराम से दिख रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम उस पर नहीं हो रहा है। सो यू कैन इजिली जज द कॉर्नर्स ऑफ दिस कार। अभी सीट कंफर्ट के बारे में बात करते हैं। द फ्रंट सीट्स आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। अंडर थाई सपोर्ट इज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है उसमें। इवन द साइड बोल्स्टरिंग इज ऑल्सो प्रीटी गुड। सो ये मुझे एकदम हक करके रखेगा, आई नो फॉर श्योर इफ आई टेक अ कॉर्नर इन दिस कार। सो या, सीट कंफर्ट एब्सोल्यूट थम्स अप। सो गाइज, दिस वॉज माई इंटीरियर रिव्यू ऑफ द मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा सिग्मा वेरियंट, मतलब बेस वेरियंट। थोड़ा मतलब इस गाड़ी में थोड़ा लैकिंग है, बट इफ यू पुट, मतलब यहाँ पर आप अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम ये सब लगवा दोगे, देन द कार विल लुक एब्सोल्युटली कंप्लीट। क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये आप देख रहे हो, दिस इज वेरी सिमिलर टू इवन द टॉप मॉडल ऑल्सो। मतलब आपका जो अल्फा वेरिएंट है उसमें भी आपको सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। जो आपका मतलब ECVT जो वेरियंट है, हाइब्रिड वेरियंट है, उसमें आपका डिजिटल मिलता है। सो वेरी वेरी कंप्लीट ऑन दैट फ्रंट, मुझे कोई मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑटो एसी आपको मिल रहा है, सो या, नो कंप्लेंट्स फ्रॉम मी ऑन दैट साइड। सो ये इंटीरियर रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा, देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, बिकॉज इट विल रियली हेल्प द वीडियो एंड ऑल्सो द चैनल। सो गाइज, दिस वॉज माई डिटेल्ड रिव्यू ऑफ द 2022 ग्रैंड विटारा सिग्मा वेरियंट, मतलब जो बेस वेरियंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, विच इज द थम्स अप, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। क्योंकि जो लोग का थोड़ा बजट कंस्ट्रेंट्स है एंड दे वॉन्ट टू गो फॉर एन SUV एंड दे वॉन्ट द रिलायबिलिटी ऑफ अ मारुति ऑल्सो, देन दे कैन डेफिनेटली लुक एट दिस बेस वेरियंट। क्योंकि फॉर नॉर्मल पीपल हु आर नॉट लुकिंग फॉर अ लॉट इन अ कार, देन ये बेस मॉडल उन लोगों के लिए एकदम सही मॉडल है। क्योंकि इसमें जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इसमें बहुत कुछ है आपको मिल जाता है, बारिंग सम थिंग्स ऑन दिस कार विच यू कैन पुट एज एन आफ्टर मार्केट एक्सेसरी। सो या गाइज, दैट वॉज माई वीडियो फॉर टूडे। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इफ यू सब्सक्राइब देन आई कैन ब्रिंग यू मोर वीडियोज लाइक दिस, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाइक दिस। सो आई विल डेफिनेटली सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन, चाओ।